हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अप्लाइड फिजिक्स के, आज हम लोग वीडियो के थ्रू समझेंगे कि दो क्वेश्चन जो पेपर में है वो बहुत आने के चांस हैं। इसको कितना लिखना है इसको समझ लीजिए। एक क्वेश्चन जो है पेपर में अप्लाइड फिजिक्स से रिलेटिव क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है स्टूडेंट। अप्लाइड फिजिक्स के ये दो क्वेश्चन और एक न्यूमेरिकल हम इस वीडियो में समझेंगे। ओके स्टूडेंट, तो पहला जो को टॉपिक पढ़ना है वो हम लोगों को पढ़ना है पृष्ठ तनाव। कौन सा पढ़ना है? पृष्ठ तनाव, इसका मतलब सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन से रिलेटेड इसका जो स्टार्टिंग में है तो वो आप लोग लिखना चाहें लिख सकते हैं कि पृष्ठ तनाव द्रव का वह गुण होता है, पृष्ठ तनाव द्रव का वह गुण होता है, ठीक, वह गुण होता है जिसके कारण कारण द्रव की सतह न्यूनतम न्यूनतम क्षेत्रफल क्या करती है? ग्रहण करती है, ग्रहण करने का प्रयास करती है, ठीक है स्टूडेंट। ये आपको पहले लाइन बोलना है, प्रयास करती है पृष्ठ तनाव में, करती है, ठीक है स्टूडेंट। इतना लिख देंगे। फिर इसको लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा में एक लाइन लिखनी है कि स्थिर द्रव की सतह सतह पर खींची गई काल्पनिक, ठीक, काल्पनिक रेखा का एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इतना करना है आप लोगों को। पहले एक लाइन लिखनी है, पृष्ठ तनाव द्रव का वह गुण है, गुण जिसके कारण द्रव की सतह न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करके करने का प्रयास करती है। फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, स्थिर द्रव की सतह पर रखी रखी इसका रखी है रखी गई काल्पनिक रेखा का एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का पृष्ठ तनाव कहते हैं, लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद एक एक इमेजनरी क्या कर देना है? डायग्राम बना देना है, ठीक है स्टूडेंट। और इमेजनरी डायग्राम में एक काल्पनिक रेखा में पृष्ठ पर यहाँ एक जगह ए लिख देना, एक जगह बी लिख देना। ये आपको सरफेस टेंशन के लिए एक इमेजनरी डायग्राम बना देना है सरफेस टेंशन की, ठीक है। और एक फार्मूला लिखना है, टी बराबर एफ अपॉन एल, ठीक, एफ अपॉन एल, और जहां एफ क्या होगा? फोर्स यानी बल आपका, और ये क्या होगा? लेंथ, और टी क्या होगा? सरफेस टेंशन, ठीक। उसका मात्रक लिखेंगे, यूनिट, तो यूनिट क्या आ जाएगा? न्यूटन अपॉन मीटर, ठीक है। और विमा क्या आ जाएगी? एम एल जीरो टी की पावर माइनस टू, ये आपको बीमार, इतना पहले आपको लिख देना है। तो पेपर में ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, तो इसको अच्छे से आप लोगों को तैयार करना है। इसके साथ वो ऐड करके पूछ सकता है कि कैपिलरी द्वारा पृष्ठ तनाव तनाव ज्ञात करना, या फिर पूछ सकता है कैपिलरी के उन्नयन, कैपिलरी का उन्नयन द्वारा उसका पृष्ठ तनाव ज्ञात करना, उन्नयन कंडी कोण पर
या खाली कैपिलरी पे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो इतना पहले लिखना है, इतना लिखने के बाद इतना इन्वर्टेड कॉमा लिखने के बाद इसके बाद हेडिंग बनानी है। इतना लिखने के बाद फिर आप लोगों को एक नोट लिख देना है वहां पर, क्या लिखना है, एक नोट, और नोट में लिखना है, एक नोट लगा देना इसके बाद, और नोट में लिखना है यदि, यहां पे लिखना है टी बराबर डब्ल्यू अपॉन ए, ठीक, एक फार्मूला लिखना है जहां पर डब्ल्यू क्या है आपका कार, क्या है कार है, ठीक है, और ए क्या है एकांक क्षेत्रफल, ये क्या है आपका एकांक क्षेत्रफल। फिर यहां पर नोट में लिखना है यदि एकांक क्षेत्रफल ए बराबर 1 m³ हो तब टी बराबर कितना हो जाएगा डब्ल्यू, और फिर आपको लिखना है कि स्थिर ताप पर, ताप पर द्रव का, द्रव फिल्म के एकांक क्षेत्रफल के लिए किया गया, क्षेत्रफल के लिए किया गया कार W द्रव का पृष्ठ तनाव कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, उतना लिखने के बाद ये नोट बना के लिख देना है कि T बराबर W अपॉन A, ठीक है स्टूडेंट, जब T बराबर W अपॉन A लिखेंगे और फिर लिखेंगे यदि उसका एकांक क्षेत्रफल कितना हो 1 m³ हो तब T बराबर कितना बचेगा W बचेगा A का, इसका मान 1 हो जाएगा, फिर वहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में लाइन लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा में कहलाता है, इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखना है, स्थिर ताप पर द्रव फिल्म के एकांक क्षेत्रफल, मतलब A बराबर कितना 1 क्षेत्रफल के लिए किस किया गया कार W द्रव का पृष्ठ तनाव कहलाता है, यानी T बराबर कितना W हो जाए, यानी इसके बराबर ये इसका पृष्ठ तनाव कहलाएगा। इतना लिखने के बाद अगर दो कंडीशन पे वो क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस है, तो इसको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये नोट समझ में आ गया, नोट लिखना है, और कोई डाउट हो तो उसको कमेंट में जरूर बता देना, तो उसको लाइव क्लास जब करेंगे तो उसमें थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे इसको पॉइंट को। ठीक है, इसके बाद जो हेडिंग बनानी है वो बनानी है आप लोगों को, केस नली द्वारा पृष्ठ तनाव ज्ञात करना। ठीक है स्टूडेंट, जब ये हेडिंग बनाएंगे तो आपको इसमें लिखना है कि केस नली में द्रव की अवतल सतह पर दाब हमेशा अधिक होता है। ठीक, और दूसरे शब्दों में कहें उत्तल लेंस, अगर कैसे कंडीशन है, उत्तल सतह है आपकी, उत्तल सतह की ओर दाब कम होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस पॉइंट को इतना लेके चलना है कि दाब को ये बताना, ये हेडिंग बनानी है, केस नली द्वारा पृष्ठ तनाव ज्ञात करना। तो केस नली में द्रव की सतह अवतल सतह अगर है, अवतल सतह कंडीशन पर दाब हमेशा क्या होगा, अधिक होता है, और दूसरे शब्दों में उत्तल सतह पर की ओर दाब हमेशा क्या क्या लगेगा, कम होता है। ये बात पहले बोल देनी है आपको। इतना बोलने के बाद फिर एक क्या बनाना है आपको, डायग्राम बनाना है, और डायग्राम
देखो डायग्राम कैसे बनाना है, डायग्राम भी देख लो। डायग्राम में कुछ नहीं करना है, एक कंडीशन बनानी है और इस कंडीशन में एक कंडीशन ऐसे दिखाने देनी है, ठीक है स्टूडेंट। और इसके बाद यहाँ पर जो बिंदु, इसको बी मान लिया, यहाँ से एक कोण बनाना है, यहाँ कोण कितना बनेगा थीटा, फिर एक यहाँ पर लाइन खींचनी, एक लाइन यहाँ पर, इसको क्या बिंदु मानना है ओ, यहाँ रेडियस कितनी होगी आर, यहाँ रेडियस मानना है कैपिटल आर, और यहाँ बिंदु क्या मानना है ए, यहाँ क्या भर देंगे जल, ठीक है। ये कैपिलरी का कंडीशन है और इस कंडीशन में जब ये बात बोल, यहाँ पर हमें थोड़ी भाषा और बोलनी है, यहाँ पर क्या भाषा बोलेंगे कि दाब को समान करने के लिए बिंदु ए की तरफ का जल बिंदु बी की तरफ बहता है, ठीक है स्टूडेंट। इतना लिखना है, इतना लिखने के बाद इसको समझ में आ गई, ये इतना नोट कर लेने हैं, इसमें ड्राइव करना है। और इतना लिखने के बाद इसके आगे लिखना है आप लोगों को कि इसी के आगे बिंदु बी का दाब वायुमंडली दाब के बराबर है, इसलिए बिंदु बी पर दाब, बिंदु बी पर क्या निकालना है, दाब पता करना है, ठीक है। तो वो दाब कितना होगा, पी माइनस टू टी अपॉन आर ब्रैकेट प्लस एच रो जी अपॉन पी के, यानी ये दाब क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। फिर अगर इसको पी को इस तरफ, इसको इस टर्म्स को इस तरफ ले जाए, इस टर्म्स को इस तरफ ले आए, तो पी से पी क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, ये उस तरफ चला जाएगा। तो अगली या कंडीशन में क्या आ जाएगा, टू टी अपॉन आर बराबर एच रो जी, देखिए ये पक्षांतर होकर चला जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, पी से पी कैंसिल हो जाएगा। इतना करना है, इतना करने के बाद अगर हम इसमें एच की, यानी केस नली की जल में ऊंचाई निकालें, क्या निकालें, ऊंचाई, यानी एच को फाइंड करें, तो एच बराबर यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये टू टी है, एच को यहाँ करें, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो टू टी अपॉन कितना होगा, ये सब मल्टीप्लाई में रहेगा, तो आर रो जी, ये आपका क्या आ जाएगा, ऊंचाई आ जाएगी आपकी, ठीक है स्टूडेंट। फिर जो डायग्राम बना है, उस डायग्राम में आपको गौर करना है, जो डायग्राम हम लोग ने बनाया है, इतना इतना ये समीकरण एक आ गया आपका, समीकरण एक आने के बाद जो डायग्राम बनाता, उस डायग्राम में गौर करने वाली बात ये है कि जैसे ये यहाँ ओ था, यहाँ ए और ये बी, ये आर था, ये कैपिटल आर था, यहाँ थीटा कोण। तो अगर हम पी द्रव की बात करें, यानी कोण ए ओ बी, यानी कोण ए ओ बी की बात करें, तो वो कितना बना रहा है, कॉस थीटा, ठीक है स्टूडेंट। और त्रिभुज ए ओ बी पे देखें तो कितना होगा आपका, आर अपॉन कैपिटल आर बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ से हम कौन सी वैल्यू निकाल लेंगे, ये आर वैल्यू निकाल लेंगे, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, आर बराबर आपका आ जाएगा आर अपॉन कॉस थीटा, और ये आर का मान कहाँ रख देंगे, आर का मान समीकरण एक में
रखने पर, तो ये आर वैल्यू को कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, तो ये कॉस थीटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो एच बराबर क्या आ जाएगा, आर एच बराबर आ जाएगा 2t कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन आर रो जी, ठीक है स्टूडेंट, इतना आ जाएगा आपका। ये जो आया समीकरण नेक्स्ट, ये आपको कहलाएगा सरफेस टेंशन की कैपिलरी में क्या आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी। लेकिन निकालना क्या, हमें टी निकालना है, तो या करके यहाँ से टी अरेंज करें, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, एच आर रो जी अपॉन कितना हो जाएगा, 2 कॉस थीटा। तो ये है कैपिलरी में कंडीशन पे उसका सरफेस टेंशन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये एक डेरिवेशन है जो उसके साथ लिंक करके वो पेपर में पूछ सकता है। इसके बाद इसी में एक बार लिंक करके 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, 2018 में 2018 या 19 में एक क्वेश्चन पूछा गया है पिछले साल पॉलिटेक्निक में, कि उसकी हेडिंग देख लीजिए, हेडिंग क्या है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था केस नली केस नली में द्रव उन्नयन उन्नयन सूत्र की व्युत्पत्ति करना है, मैं केस नली में द्रव उन्नयन सूत्र की व्युत्पत्ति करके सरफेस टेंशन ज्ञात करना है। तो इसका जो डायग्राम वगैरह बनता है वो बहुत डिफरेंट टाइप का बनता है, बहुत डिफरेंट टाइप का, बहुत अलग टाइप का। तो इसमें देखिए इसका डायग्राम सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो डायग्राम बनता है वो कुछ इस टाइप से बनता है, ठीक है। और ये देखो डायग्राम ऐसा कोई टफ पॉइंट पे नहीं है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है इस डायग्राम में के ठीक है, यहाँ आपको जल भर देना है और एक कंडीशन ये बनानी है, ठीक है स्टूडेंट। तो एक लाइन आपकी ये हो गई और एक इसमें क्रॉस लाइन डालनी है यहाँ पर, फिर यहाँ पर भी एक क्रॉस लाइन डालनी है, ठीक है, और एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो ये आपका कहलाएगा टी कॉस थीटा और ये क्या भी क्या कहलाएगा, टी कॉस थीटा। ये लाइन कहलाएगी आपकी टी साइन थीटा, ठीक है, ये भी आपके क्या कहलाएगी, टी साइन थीटा। ये आपका कहलाएगा टी, ये भी आपका क्या कहलाएगा, टी। यहाँ पर कितना कोण बनेगा, थीटा, यहाँ भी कितना कोण बनेगा, थीटा बनेगा। इसके बाद यहाँ पर एक डॉटेड लाइन बनानी है और यहाँ मिड से एक लाइन बनानी है डॉटेड, ये आर होगा, ये भी क्या होगा आपका आर होगा, और इसके नीचे की ओर क्या लगेगा, डब्ल्यू बराबर एम जी बाहर लगेगा, ठीक है। और ये जो यहाँ पर एक एस लेना है और यहाँ पर एक बिंदु आर लेना है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो एच होगी, यहाँ टोटल में क्या भरा होगा, जल भरा होगा, ठीक है। और ये आपकी क्या है, कैपिलरी, ठीक, ये डायग्राम अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये डायग्राम के बाद जो मेन डेरिवेशन, इसमें भाषा भी है, तो भाषा को अभी इग्नोर करके बस इतना याद रखना कि इसका डेरिवेशन पूछता है, यानी ट्यूब में ट्यूब की संपूर्ण परिधि पर ऊर्ध्व दिशा यानी लॉन्गिट्यूडिनल ऊर्ध्व दिशा में लगने वाला बल जो होगा आपका वो कितना होगा, 2πr(t cos θ)। ये समीकरण आपको एक बना लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो पॉइंट है आपका वो आपको लिखना है, नली में चढ़े हुए द्रव का आयतन निकालना है, क्या निकालना है, आयतन। तो ये आयतन होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच प्लस ब्रैकेट पी क्यू आर एस। तो इसमें देखिए पी क्यू आर एस यानी आपका एक जगह बिंदु पी, ये आपका क्यू, एक जगह पी होगा,
एक जगह क्यू यानी पी क्यू आर एस, यहां का आयतन की बात कर रहे हैं, पी क्यू आर एस आयतन माइनस अर्ध गोले गोले का आयतन। ठीक है स्टूडेंट, ये फार्मूला यूज करना है। तो देखो पाई आर स्क्वायर एस तो पहले ही से है आपका, प्लस पी क्यू आर एस का जो आयतन होगा वो होगा आपका पाई आर क्यू प्लस, ठीक है, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होगा, आर क्या है उसकी लेंथ, तो इसलिए ये भी आर हो जाएगी। टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आयतन का, पाई आर क्यू, और जो हाफ गोले का आयतन होगा वो कितना होगा, टू वाई थ्री टू पाई आर क्यू अपॉन थ्री, यहाँ बीच में क्या होगा माइनस। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका अगर हम एलसीएम वगैरह लेंगे तो यहाँ थ्री पाई आर क्यू हो जाएगा, तो इसका सॉल्व कितना आएगा, इसका सॉल्व आएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस, ठीक है, इसका सॉल्व आएगा आपका, इसका टोटल सॉल्व आएगा आपका कितना, पाई आर क्यू अपॉन थ्री आएगा, क्योंकि देखो ये एलसीएम लेंगे तीन तीन पाई आर क्यू हो जाएगा, तीन पाई आर क्यू से टू पाई आर क्यू हट जाएगा तो ऑनली पाई आर क्यू बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो पाई आर स्क्वायर ये भी है, पाई आर क्यू ये भी है, यहाँ से इसको कॉमन ले लें तो कितना कॉमन आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, एच प्लस आर अपॉन थ्री, ये बचेगा आपका। ठीक है, और इस कंडीशन में यहाँ तक ड्राइव करने के बाद इसमें देखो आपको W बराबर एम जी दिख रहा है, तो आपको एक लाइन लिखनी है, अतः नली नली में चढ़े द्रव का भार, ठीक है, भार W बराबर एम जी, तो V रो G इतना होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो V हमें पता है कितना है, V हमें, ये भी हमने निकाला, ये V निकल के आया आपका, क्या निकल के आया, V निकल के आया, तो इस V को कहाँ रख देंगे, यहाँ रख सकते हैं, तो W बराबर कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट H प्लस आर अपॉन थ्री ब्रैकेट रो और G, इसको क्या मान लिया, समीकरण दो मान लिया, और ये क्या है, समीकरण एक आपका, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक व दो, दो को बराबर करने पर, यानी इस समीकरण को और ये जो बल वाला समीकरण पाई आर स्क्वायर इंटू टी कॉस थीटा, इसको बराबर करने पर, तो एक नया इक्वेशन क्या मिलेगा, इन दोनों को हमें बराबर कर देना है इक्वेशन को, तो इन दोनों को अगर बराबर, इसको और इसको इक्वेशन क्या कर देना है, बराबर कर देंगे अगर, तो कंडीशन क्या आ जाएगी आपकी, कंडीशन आपकी, कंडीशन में पॉइंट को अगर दिखाएं, अगर पॉइंट पे लेके चलें तो इसके हिसाब से इन दोनों को बराबर करना है, बराबर करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये इक्वेशन आ जाएगा पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट एच प्लस आर वाई थ्री ब्रैकेट रो जी बराबर कितना है, कितना था, टू पाई आर फिर इंटू टी कॉस थीटा। ठीक, अब इसमें हम देखें तो आपका क्या होगा, पाई आर इसमें से पाई आर कैंसिल कर देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, आर बचेगा, ठीक है, आर रो जी बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, और इस कंडीशन में इसलिए द्रव की ऊंचाई निकालें, अगर हम द्रव की क्या निकालें, ऊंचाई, ठीक है, तो ये टर्म्स जो है, ये पूरी टर्म्स कितना बचेगा, यहाँ आर बचेगा, रो जी बचेगा, ये पाई आर से पाई है, यहाँ कितना बचेगा, टू कॉस थीटा, ये पूरा नीचे पहुँच जाएगा, तो हम कितना लिख सकते हैं, एच प्लस आर अपॉन थ्री बराबर टू टी कॉस थीटा अपॉन ये आर जी और जी इतना हो जाएगा, अतः एच बराबर कितना आ जाएगा, टू टी कॉस थीटा अपॉन आर
रो जी माइनस आर अपॉन थ्री, क्योंकि इसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे तो एक टर्म सी आ जाएगी। फिर लास्ट में लिखेंगे चूंकि चूंकि केस नली की त्रिज्या बहुत कम होती है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, R अपॉन थ्री को क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, नगण्य। और नगण्य मानेंगे तब कितना आ जाएगा, H अपॉन टू टी कॉस थीटा अपॉन R रो जी, ये आ जाएगी आपकी लेंथ। और जब ये लेंथ आ जाएगी तो यहीं से हम लोग लेंथ के द्वारा क्या कर सकते हैं, इसी लेंथ के द्वारा ये इसी फार्मूले को यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, टी निकाल सकते हैं। तो टी बराबर क्या आ जाएगा, एच आर रो जी अपॉन टू टी कॉस थीटा, ठीक है स्टूडेंट, टू टी कॉस थीटा आ जाएगी क्योंकि टी यहाँ से टी हट जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ से हम टी अरेंज करेंगे तो ये इसके साथ, ये आपका फार्मूला। तो ये ओनियन सूत्र के लिए ड्राइव है, किसके लिए, ओनियन सूत्र के लिए, तो इसको अच्छे से तैयार करना है स्टूडेंट, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर में आने के लिए। जो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में इस साल आ सकता है, ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत ध्यान से देखना है कि कौन सा पॉइंट आ सकता है कौन सा पॉइंट नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ये सरफेस टेंशन का ज़्यादा चांस है इस बार पेपर में आने का, और ओनियन सूत्र वाला भी ड्राइव आ सकता है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। जो पॉइंट क्लियर ना हो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो लाइव क्लास में उसको थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे। एक क्वेश्चन है कार्नोट साइकिल का, ठीक है, तो देखो याद क्या क्या रखना है, इसका एक डायग्राम याद रखना है, और डायग्राम देखो ये तरीका क्या है बनाने का उस डायग्राम का, ये आपको पहले एक नीचे डाउन कर्व करना है, फिर यहाँ करना है, फिर इसको अप कर्व करना है, और फिर इसको यहाँ कर लेना है, ठीक है। तो ये होगा आपका फर्स्ट सिस्टम, ये सेकंड सिस्टम, ये थर्ड सिस्टम, ये फोर्थ सिस्टम, ये इस तरफ आपका वॉल्यूम लेना है, और इस तरफ आपको क्या लेना है, प्रेशर लेना है, ठीक है। और स्टार्टिंग से यहाँ पर लेना है V1 P1, यहाँ लेना है V2 P2, यहाँ पर V3 P3, यहाँ लेना है V4 P4, ठीक, ये आपका यहाँ पर Q1 होगा और यहाँ का पर आपका Q2 होगा, ठीक है। इतना करने के बाद चार इक्वेशन बनाने हैं, एक है समतापी प्रसार, ठीक है, समतापी प्रसार में आपको लिखना है W1 बराबर या Q1 बराबर W1 बराबर NRT log E B2 अपॉन B1, एक इक्वेशन ये याद रखना है। दूसरा फिर रुद्रोष्म इंग्लिश में आते हैं एडियाबेटिक, रुद्रोष्म प्रसार लेना है, और रुद्रोष्म प्रसार में आपको लिखना है कि W2 बराबर NR अपॉन गामा 1 माइनस गामा, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखना है T2 माइनस T1, ये दूसरा इक्वेशन बना लेना है। तीसरा इक्वेशन बनाना है समतापी, इसका तीसरा इक्वेशन यहाँ बना देते हैं, तीसरा बनाना है समतापी संपीड़न, और समतापी संपीड़न का आपको बनाना है Q2 बराबर W3 बराबर माइनस NR, यहाँ पर आपको जो T है वो T1 बनाना है, क्या बनाना है, T1 NR T2 फिर log E B4 अपॉन B3, और अगर इसको पलटा दें तो क्या हो जाएगा, NR T2 B3 अपॉन B4। तो तीसरा इक्वेशन ये बनाना है। चौथा बनाना है रुद्रोष्म संपीड़न, ठीक, और इसमें आपको लिखना है W4 बराबर
माइनस एन आर अपॉन वन माइनस गामा, ठीक है स्टूडेंट, ये माइनस लगाना है आपको आगे, ठीक है, ये गामा है, ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट में करना है टी टू माइनस टी वन, ठीक, टी टू माइनस टी वन करने के बाद इसको या भी कर सकते हैं, यानी सॉरी ये माइनस का अभी नहीं, यहाँ पर पहले करेंगे टी वन माइनस टी टू, फिर या करके लिख सकते हैं डब्लू फोर बराबर माइनस एन आर अपॉन वन माइनस गामा, फिर यहाँ पर लिख देंगे टी टू माइनस टी वन, ठीक है, ये चार इक्वेशन याद रखने हैं, चार इक्वेशन लिखे बनाने के बाद आपको क्या करना है, कुल वर्क निकालना है, कुल वर्क, तो कुल वर्क, कुल वर्क अगर निकालना है तो तुल्य वर्क या तुल्य कार्य, तो तुल्य कार्य जो होगा वो W बराबर होगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, ठीक है स्टूडेंट, तो देखो इसमें आपको जो आपका दिख रहा होगा W2 कार ये वाला, ये कंडीशन, वो W4 कार ये वाला, ये टर्म्स और ये टर्म्स क्या है, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ एक लाइन लिख देंगे W2 एंड W4 जो वर्क है वो अपोजिट है और कैंसिल भी हो जाएगा, तो ओनली W बच कितना बचेगा, W तुल्य बचेगा ओनली W1 माइनस W3, ये आपका तुल्य वर्क आएगा, ठीक, और वर्क किया गया कार ही ऊष्मा है, ये भी सब जानते हैं, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, या करके W बराबर Q1 माइनस Q2, ये आपका कार्नोट साइकिल की कंडीशन है, ठीक है, इसमें एक चीज़ और ऐड कर देना कि अगर मान लो वो ये करे कि डेफिशिएंसी का मान लो ये इस पॉइंट में पूछ ले वो कि डेफिशिएंसी क्या है, या फिर इस टाइप का कोई पॉइंट पूछे, अगर पूछता है मान लो तो उस पर ध्यान देना है, ठीक है, इस पर देखना है पॉइंट पर कि नोट लगा लेना, यहाँ पर नोट लगा के लिखना एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन, इसका नोट लगा के ये लिख देना, फिर लिख देना ईटा बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू वन, और डब्ल्यू सब जानते हैं क्यू वन अपॉन क्यू टू, तो कितना आ जाएगा क्यू वन माइनस क्यू टू बराबर क्यू वन, ये एफिशिएंसी निकालने का तरीका है, इसी का या करके फार्मूला और लिख देना ईटा बराबर वन माइनस टी टू अपॉन टी वन, तो इतना कर देंगे हम लोग कार्नोट साइकिल में, तो ये कंप्लीट पॉइंट है, इतना करना है, चार इक्वेशन याद रखने हैं, वो डायग्राम बनाना है, उतना करने के बाद तुल्य वर्क निकालना है, तो चारों को ऐड करके ये दो वर्क क्या कर देना है, कैंसिल कर देना, यानी फोर और ये क्या हो जाएंगे मैन कैंसिल हो जाएंगे, तो डब्ल्यू का मान इसके मान के सब्सट्रैक्ट क्या होगा, बराबर होगा, और ये उसकी दक्षता निकाल लेगा। हाँ, इसी में 2019 में, हाँ 2019 में इस फार्मूले से एक सवाल पूछा गया है, तो सवाल में आप लोग देख लीजिए, सवाल और देख लीजिए, भाई लास्ट सवाल है, इस सवाल को अच्छे से देख लेना, इस बार पेपर में आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं इस सवाल के, तो देखो सवाल कैसे पूछेगा वो क्वेश्चन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके सवाल में, जैसे वो देता है 127 सेंटीग्रेड और 27 सेंटीग्रेड, एक सेकंड बच्चों, तो 27 सेंटीग्रेड और 127 सेंटीग्रेड ताप क्रम के मध्य कार्यरत चक्र की दक्षता ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें मेन पॉइंट है, जो ध्यान रखने वाला पॉइंट मेन पॉइंट है, जो ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि टेम्परेचर किसको इसको फार्मूले में T1 और T2 को बहुत ध्यान से रखना है, मान इतना याद रखना कि T2 का मान कम लेना है और T1 का मान क्या आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए। तो हमने देखा अगर हम यहाँ पर T निकालें तो 227 सेंटीग्रेड है,
इसको केल्विन बदलेंगे कितना हो जाएगा 300 केल्विन। फिर हमने टी लिखा 127 सेंटीग्रेड, इसको केल्विन बदलेंगे कितना हो जाएगा 400 केल्विन। तो जो मान कम होगा उसको क्या मानेंगे T2, और जो मान ज़्यादा होगा उसको क्या मानना है T1। फिर फार्मूला लगाना है ईटा बराबर 1 माइनस T2 माइनस T1। तो इसमें फार्मूले में मान रखेंगे तो 1 माइनस 300 अपॉन 400। तो ईटा अगर इसका सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.25 आएगा, ये कितना आएगा एफिशिएंसी कितनी आएगी 0.25। तो ईटा को 0.25 इंटू 100 यानी परसेंट बदलें तो ईटा बराबर कितना आ जाएगा 25%। यानी इस कंडीशन पे इसकी एफिशिएंसी कितनी परसेंट होगी इस टेम्परेचर में 25% होगी। ओके स्टूडेंट, तो ये ध्यान रखना है, ये सवाल इस बार पेपर में आने के चांस हैं, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो उसको कल आज लाइव क्लास होगी रात को 8-8:30 जितने बजे भी टाइमिंग होगी वो भेज दी जाएगी, तो उसमें हम लोग तैयार कर लेंगे। उसमें केमिस्ट्री डिस्कशन में इस पॉइंट से रिलेटिव कमेंट कर सकते हो आप लोग, तो उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग।